हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका गीता गार्डनिंग चैनल में। ये जो प्लांट आज आप देख रहे हैं, ये जो फूल देख रहे हैं, इसे रोजेंथस बोला जाता है और इसका पेरीविंकल भी नाम है, मेडस्कल पेरीविंकल। और ये आपको गर्मियों के मौसम में इसमें फूल देख सकते हैं, सर्दियों में नहीं होता है। जैसे जैसे सर्दी आ रही है, इसमें फूल खिलने भी कम हो गए हैं। और ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और इसकी कई वैरायटीज़ आते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक देख रहे हैं, ये पिंक है, और यहाँ पे जो आप एक देख रहे हैं ये रेड है, और यहाँ एक आपको वाइट दिख रहा होगा। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इसमें काफ़ी वैरायटीज़ आते हैं, और आप अगर एक प्लांट लगाते हैं तो फिर ये दो तीन प्लांट अपने आप ही हो जाएंगे। इन द सेंस कि अगल बगल में जो गमले हैं उसमें भी ये उग जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लांट लगा है और एक यहाँ भी यही वैरायटी है। तो ये एक अलग कलर दिख रहा है मुझे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी सारे कलर दिखा दिए। एक ये एक मुझे पर्पल कलर जैसा दिख रहा है, ये पिंक है, ये रेड है और ये वाइट है। तो काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स आते हैं और आप इसे लगा सकते हैं। इसमें आपको ऐसे जगह पे लगाना है जहाँ पे मिट्टी में पानी अगर आप डालते हैं तो वो पानी ईजिली निकल जाए, क्योंकि ओवर वाटरिंग इसके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा, इसे आपको ज़्यादा सनलाइट में भी नहीं रखना है, ऐसे जगह रखना है जहाँ सनलाइट कुछ समय के लिए आए, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट में ये हो सकता है कि ये प्लांट सूख जाए। जैसा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर ये प्लांट में पानी अगर नहीं देते हैं एक से दो दिन, तो ये प्लांट के पत्ते एकदम सूख जैसे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्लांट को पानी रेगुलर चाहिए, तो इसे रेगुलर चाहिए। पेरीविंकल ये काफ़ी आप अपने घर के आगे लगा सकते हैं, अपने घर के आगे लगा सकते हैं, या आपकी बालकोनी में है वहाँ लगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये इसकी जो लाइक वन प्लांट से आप मल्टीपल प्लांट्स भी इससे आप ईजिली बना सकते हैं। ये देखिए, मुझे ये एक अलग वैरायटी दिख रहा है, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं। तो ये है पेरीविंकल ही, लेकिन इसके पत्ते थोड़े से डिफरेंट मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पत्ते थोड़े डिफरेंट हैं, देख सकते हैं। इस प्लांट के पत्ते में थोड़ी सी डिफरेंस है, हो सकता है कि एक ही स्पीसीज़ के हैं लेकिन थोड़े अलग अलग वैरायटी हैं। ये यहाँ पे वाइट है। तो ऐसा बहुत सारा है मेरे घर में। मेरे घर पे मेरी मम्मी ने लगाया है, टेरेस पे नीचे बहुत सारा है। तो आप भी दोस्तों ये लगाइए पेरीविंकल, और इजली आप अपने आपके आसपास अगर लोकल जो आपका नर्सरी है वहाँ से जाके खरीदिए, अलग अलग कलर्स खरीदिए और इसे लगाइए। बहुत ही सुंदर दिखता है ये, तो आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत सारे हैं मेरे घर में, बहुत सारे ये फले हुए हैं, बहुत सारे हैं। देखिए बहुत सारे हैं यहाँ भी है। ये तो मैंने आपको टेरेस का दिखाया, नीचे भी बहुत सारे हैं। तो पता नहीं मेरी मम्मी ने इतने सारे लगाए हैं या ये अपने आप ही हो गए हैं बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।